दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जिसका जन्म होता है उसका एक दिन अंत जरूर होता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, पेड़ पौधे हो या ग्रह नक्षत्र। पर दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि मरने के बाद क्या होता है और मरते वक्त एक इंसान के शरीर में कौन से चेंजेस होते हैं? अगर हाँ, तो तैयार हो जाइए आज की इस धमाकेदार वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो विद द वीडियो टाइटल व्हाट इज नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, लगभग 80% लोग का ये मानना है कि मरने के बाद एक और दुनिया होती है जहां वो जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था ये देखने के लिए कि क्या सच में मरने के बाद आत्मा शरीर से बाहर आती है। दोस्तों, ये रिसर्च जर्मनी में हुआ था और इसमें कुछ अजीब से डिस्कवर किए गए। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया जो कोमा में थे और कुछ मरीज जिनका दिमाग का सिर्फ कुछ पार्ट बेजान था। ठीक होने के बाद इन्होंने कुछ ऐसा एक्सप्लेन किया जो बहुत ही अजीब था। इसी एक्सपीरियंस को नाम दिया गया NDE, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। उसमें 50% लोग NDE में डिस्क्राइब किया कि उनको पहले से पता चल गया था कि वो मरने वाले हैं, और 24% लोग ने ये कहा कि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी कि वो अपने शरीर से बाहर आके ऊपर से ही अपने आप को देख पा रहे थे। और 32% लोग मरे हुए इंसानों से बात भी की और कुछ लोगों को दूर से आती हुई चमकदार रोशनी दिखी। पर दोस्तों, ये रिसर्च आधा था। ये एक्सपेरिमेंट को वापस UK, USA एंड ऑस्ट्रिया में दोहराया गया और रिसर्च में ये पता चला कि सिर्फ 9% लोग ही NDE रिपोर्ट किए और सिर्फ 2% लोग ही अपने शरीर से बाहर एक्सपीरियंस किए। और लास्ट में ये पता चला कि मौत होने से पहले दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाते हैं और इसी वजह से इंद्रियों से आने वाले सारे सिग्नल्स मिक्स हो जाते हैं और हम हलुसिनेट करने लगते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज के द्वारा दिखे जाने वाली तेज रोशनी और कुछ नहीं बल्कि ऑपरेशन थिएटर का लाइट था। और शरीर से बाहर आने के एक्सपीरियंस को टेस्ट करने के लिए मरीजों के बेड के ऊपर एक लेटर रखी गई थी जिस पर कुछ लिखा था ताकि अगर वो शरीर से बाहर आके खुद को देख सकता है तो वो लेटर को भी रीड कर पाएंगे, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अब बात आती है कि मरते टाइम इंसान या फिर जानवर के शरीर में क्या चेंजेस होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मरते वक्त पहले तो हार्ट बीट बंद हो जाता है जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और धीरे धीरे ब्रेन का हर पार्ट काम करना बंद कर देती है जिसकी वजह से हार्मोन और कुछ केमिकल सिक्रेशन होना बंद हो जाती है जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बॉडी के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया बॉडी को खाने लगते हैं और अंत में सिर्फ अनडाइजेस्टेड चीज़ यानी हड्डियाँ और बाल ही बच जाता है और ये भी कुछ साल बाद पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं। विज्ञान के हिसाब से मरने के बाद यह होता है। वैसे आपको क्या लगता है, मरने के बाद एक और दुनिया होता है या फिर नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।